नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे तत्सम तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम। प्रथम भाग के अंदर हमने तत्सम शब्दों को पहचानने के नियम पढ़े थे। आज उसी के दूसरे भाग में है तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम। इसके अंदर पहले नियम की हम बात करते हैं कि जहां तत्सम शब्दों वाले नियम नहीं लगे वहां पर तद्भव शब्द होंगे। वो कि तत्सम के अंदर हमने पढ़ा था कि जहां पर अनुस्वार हो, हलंत हो, विसर्ग हो, संस्कृत वाले उपसर्ग हो, वहां पे तत्सम शब्द थे। अब सीधे से उसके हम सात नियम याद कर लेंगे तो तद्भव वाले हमारे याद हो जाएंगे। कि जहां पर अनुस्वार नहीं हो तद्भव हो जाएंगे, हलंत नहीं हो तद्भव हो जाएंगे, विसर्ग नहीं हो, संस्कृत वाले उपसर्ग नहीं हो, वहां पर वो तद्भव शब्द हो जाएंगे। और अगर ये हो तो वो तत्सम हो जाएंगे। इसी के अंदर तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम में दूसरा नियम है हमारा, हिंदी उपसर्गों से युक्त शब्द प्राय कौन से होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। अब हिंदी के उपसर्ग 22 हैं। आप उन नाना के सम ओ पूछो भर पर बहुविधि विनती का अद चीर न दउस अनपच। उपसर्ग वाला जब हमारे आगे बिंदु आएगा उस पे इनको कहानी के रूप में विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो जहां पर हिंदी उपसर्गों से युक्त शब्द आए, हिंदी उपसर्ग जहां पर आ जाए वो शब्द प्राय तद्भव होते हैं। तीसरा नियम है तद्भव शब्दों को पहचानने के नियमों के अंदर हमारा, ड़े वे ढ़े। अक्सर युक्त शब्द प्राय तद्भव या देशज होते हैं। जहां पर भी ड़े और ढ़े आ जाए, जैसे यहां पर हमने लिखा है सड़ना, सड़क, पढ़ना, ये जहां पर भी शब्द आ जाए वो क्या होंगे? तद्भव कहलाएंगे। आखिरी नियम है संस्कृत संख्याओं के हिंदी रूप तद्भव होते हैं। और मैं आपको ये ढ़ और ढ़ इनमें अंतर बता दूं। एक इन्हीं के यूं समझे सगे भाई मानो, ढ़ और ढ़ भी होते हैं। इनके अंदर इतना ही अंतर है, ढ़ और ढ़ किसी भी शब्द के बीच में मध्य में आते हैं ज्यादातर, और जो ढ़ और ढ़ ये शब्द की शुरुआत करते हैं, जैसे ढोल, ढक्कन, ये, और ये ढ़ और ढ़ ये बीच में आते हैं। ये थे हमारे तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं अच्छा लगे तो। आगे हम देशज और विदेश शब्दों की अगले भाग में बात करेंगे। धन्यवाद।